नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश, आपका मित्र। मैं बताऊंगा आज कि आपके जो आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी आईडी है आपके पास, उस आईडी से कितने नंबर एक्टिव है। जल्द जल्द में हम क्या करते हैं, कभी पहले हमारे दोस्तों को, रिश्तेदार को अपनी आईडी से मोबाइल नंबर चालू करके दे देते, और बाद में हमको पता नहीं चलता था कि अपने आईडी से कितने नंबर चालू है, कितने नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने आईडी से कितने मोबाइल नंबर एक्टिव है। चलो सीधा चलता हूँ गूगल क्रोम पे, आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये जो कैपटॉप है, उस वेबसाइट को खोलना है, जो सेकंड वाला पोर्टल है, टैबकॉप कस्टमर पोर्टल, उस पर आपको क्लिक करना है। और मैं बता दूं आपको एक चीज़ और, कि यहीं से आप अपने आईडी के जितने मोबाइल नंबर एक्टिव है वो देख भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो जो मोबाइल नंबर लगाने हैं जो आपके आधार कार्ड में वेरीफाई हैं, लगे हुए हैं, जैसे मैं मेरे ही नंबर लगा रहा हूँ, मेरे आधार कार्ड में जो वेरीफाई हो रखे हैं, आपके मोबाइल नंबर लगाना। जस्ट आपको सेंड ओटीपी पे करना है। और यहां पे आपको ओटीपी लगा देना है। जैसे मेरे ओटीपी आ गया, और यहाँ से हमको यहाँ पे क्लिक करना है, और दिस इज नॉट माई नंबर पे क्लिक करके रिक्वायर्ड आपको रिपोर्ट करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर लॉन्ग आउट करना है, इस पर क्लिक करो और रिपोर्ट कर दो।